ऐसा नहीं है, मैं और कमीज फातिमा दूसरे से शादी करके खुश नहीं है दादाजी। अगर डेविन खुश नहीं है तो मेरे साथ क्यों रह रहा है? मुझे बता सकता है? आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को खत्म कर देते। मगर इसमें फजूल बात क्या है, इसलिए शादी की थी ना आपने, अमरीका जाना था आपको, आप क्यों बिगाड़ेंगे अपनी बेगम से? बाबू जी, मैं आपको फोन करने ही वाला था, दादाजी बुला रहे हैं आपको। बाबूजी याद कर रहे हैं जी? आप क्या बात है, परेशान लग रहे हैं। हाँ, वो गोदाम में आग लग गई। क्या, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, अम्मी ने भी नहीं बताया? अरे बेटा, मैंने मना किया था तुम्हारी माँ को कि किसी को कुछ ना बताए, सब बिला वजह परेशान होंगे। तुम सुबह से कहाँ थे? वो मैं किसी से मिलने गया था, मुझे पता है कि बहुत परेशान है अभी, लेकिन दादा जी को समझाएं कि सुरैया और अमित का निकाह ना करें, सुरैया खुश नहीं रहेगी, वो मानेगी भी नहीं। कोई फायदा नहीं है बाबूजी को समझाने का, कोई फायदा नहीं, नुकसान क्या बहुत ज्यादा हुआ। हाँ बेटा, खासा नुकसान हुआ, 75% लकड़ी जल गई, मगर अल्लाह का शुक्र है बेटी बच गई। खैर जी, अगर ये रिश्ता हुआ ना, श्रेया नहीं बचेगी, इकबाल पप्पू बन जाएगी। बाबू जी बुला रहे हैं। बस बाबू जी, सारा माल जल गया, सब कुछ तबाह हो गया, क्या करूं, किससे कहूं, बहुत परेशान हूं बाबू जी। बस बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जब बाप का साया सर पे हो ना तो औलाद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, आप कब तक इस तरह मेरी मदद करते रहेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं बेटी, पैसे का नुकसान, जायदाद का नुकसान, इस सब की भरपाई हो जाती है, बस अल्लाह से दुआ करो कि इज्जत का नुकसान ना हो। और देखो अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी मदद की, सब ठीक हो गया।